बहुत से चैनल पे बहुत सी उपटन की रेसिपीज देखी होंगी और मार्केट से भी बहुत अच्छे उपटन मिल जाते हैं, लेकिन जो आज मैं आपके साथ उपटन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये कहने के हमारी फैमिली का एक सीक्रेट उपटन की रेसिपी थी, जो कि आप कहने के ये वाला जो उपटन है ना, हर शादी में जैसे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी मारियन। होप सो कि आप सभी खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही जबरदस्त लेकिन बहुत ही सिंपल सा होम मेड उपटन की रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी। वैसे तो आपने बहुत से चैनल्स पर, डिफरेंट चैनल्स पे उपटन की रेसिपीज देखी होंगी और डिफरेंट तरह के उपटन देखे होंगे, और मार्केट से भी बहुत अच्छे उपटन मिल जाते हैं, लेकिन जो मैं आपके साथ उपटन जो है शेयर करूंगी रेसिपी, ये आप कहने की हमारी फैमिली का सीक्रेट रेसिपी है, जो कि हर शादी पर बनाई जाती है। और शादी उपटन ना हो तो शादी शादी नहीं लगती है, मतलब बगैर उपटन के तो शादी हमारी इनकम्प्लीट होती है। और ये उपटन जो इस टाइम मेरे हाथ में है, ये उपटन मैं अपने बचपन से देखती आ रही हूँ कि जब भी हमारी फैमिली में कोई शादी होती है तो ये उपटन जो है वो तैयार किया जाता है और दुल्हन को लगाया जाता है, दुल्हन की फैमिली भी लगाती है। तो ये कि हमारी फैमिली में अगर मैं बात करूँ तो मार्केट का जो उपटन है उसको यूज़ नहीं किया जाता। उसकी रीज़न ये है कि दुल्हन जो होती है ना, वो एक बड़ी स्पेशल होती है, उसकी बड़ी एक स्पेशल सी केयर की जा रही होती है, और उसकी स्किन के साथ कुछ भी ऐसा उसकी स्किन पे यूज़ नहीं किया जाता जो उसकी स्किन को रिएक्ट कर दे या नुकसान दे, कोई इसका साइड इफेक्ट हो जाए, तो ये जिसके इंग्रेडिएंट का हमें पता ना हो या कोई इस तरह का केमिकल। तो हमारी फैमिली में तो ये होममेड उपटन बनाया जाता है, इसी को लगाया जाता है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसको हर एज का कोई भी पर्सन जो है वो यूज़ कर सकता है। आप दुल्हन हैं, न्यूली ब्राइड हैं या बनने वाली हैं आप, या आपने शादी अटेंड करनी है, या आप दुल्हन की फैमिली हैं, या अगर आपने नहीं भी आपने कोई शादी अटेंड करनी है, आप इसको बनाएं और लगाएं इसके। और एक और बात, ज़रा इधर आए, इस उपटन को ना बॉयज भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अच्छा लगना और दिखना हर पर्सन का राइट है, हर पर्सन चाहता है कि वो अच्छा लगे, और इस उपटन के यूज़ से आपकी स्किन पे किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। हर तरह की स्किन वाला इसको यूज़ कर सकता है, अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है, ये ड्राई है, नॉर्मल है, किसी भी तरह की स्किन वाला इसको यूज़ कर सकता है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन को, और रिएक्ट नहीं करेगा आपकी स्किन को, बल्कि आपकी स्किन पे ग्लो आ जाएगा, आपकी स्किन निखरी निखरी लगेगी, निखरी भी लगेगी आपकी स्किन और चमकने लग जाएगी आपकी स्किन। क्योंकि स्किन अच्छी हो ना तो मेकअप किया हुआ भी अच्छा लगता है। तो पहले आप अपनी स्किन की केयर करें, उसके बाद जब आप मेकअप करेंगे ना तो आपकी स्किन भी, आप इतने निखरे निखरे नजर आएंगे ना। तो ये जो होममेड उपटन है ना, इसको हमने कैसे बनाना है, इसकी अगर मैं फ्रेगनेंस की बात करूँ तो इस टाइम ना इसमें से एक बहुत ही नेचुरल सी और हल्की हल्की सी ना नेचुरल चीज़ों की फ्रेगनेंस आ रही है। कोई आर्टिफिशियल इसमें नहीं है फ्लेवर, या कोई आर्टिफिशियल फ्रेगनेंस नहीं है इसमें, बिल्कुल नेचुरल चीज़ों की फ्रेगनेंस आ रही है, और रिजल्ट भी इसके बहुत ही नेचुरल और बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए देखते हैं कि इस होममेड उपटन को हमने कैसे बनाना है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। चले आए देखते हैं वीडियो में। तो जी, इस होममेड उपटन को बनाने के लिए सबसे पहले जी हमें चाहिए बेसन, और यहाँ पर बेसन को मैं एज अ मेन इंग्रेडिएंट जो है वो यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैं बेसन लूँगी, बेसन का यूज़ करूँगी, और 2 टेबलस्पून पे भर के मैंने बेसन ऐड कर दिया है। और बेसन जो है ना सिर्फ हमारे कलर को ब्राइट करता है, बल्कि हमारी स्किन पे किसी भी तरह के कोई निशान आते हैं, दाग धब्बे हैं या सन बर्न के निशान हैं, उनको ख़त्म करता है। एक्सेस ऑयल जो होता है स्किन पे उसको दूर करता है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून संदल का पाउडर। और ब्यूटी की बात की जो, और संदल का नाम ना लिया तो ये कैसे मुमकिन है, संदल हमारे कलर को ब्राइट करता है, दाग धब्बों को दूर करता है। और जी अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जी 1 टेबल स्पून ही जो होती है रेड दाल मतलब मसूर की जो दाल होती है उसका पाउडर ऐड किया, और ये हमारी स्किन पर एज अ स्किन पॉलिशर वर्क करेगी, हमारे कलर को भी ब्राइट करेगी और ग्लो लेकर आएगी हमारी स्किन पर। अब इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून ही संतरे के छिलकों का पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर जो है वो ऐड कर रही हूँ, जो कि रिच ऑफ विटामिन सी होता है। अब इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ही हल्दी ऐड कर दी है, जो कि एंटी बैक्टीरियल होती है। और अब इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने राइस फ्लोर चावल का आटा जो है वो ऐड कर दिया है, जो कि आप कह लें कि विटामिन का ख़जाना है। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और किसी जार में आप जो है वो स्टोर करके रख लें, और जब आपने यूज़ करना हो, जितना भी यूज़ करना हो उतना निकाला। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने यूज़ करना है, तो मैं ये जो उपटन है यहाँ पर तकरीबन 2 टेबल स्पून ले रही हूँ, तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ये उपटन ले लिया है।
और जी इसमें अब मैं ऐड करूँगी जी आलमंड ऑयल, बादाम का तेल, और यहाँ पे तकरीबन मैं बादाम का तेल जो तेल है वो 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है तो आप इसमें जो बादाम के तेल की क्वांटिटी है वो बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। और जी अब इसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे दूध के साथ, और दूध के साथ आपने इसको जो है वो हल्के हल्के आहिस्ते आहिस्ते इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल रनी नहीं रखना, पतला नहीं करना है इसको, आपने गाढ़ा गाढ़ा ही रखना है, थिक सा पेस्ट बनाना है आपने। और इस तरह आहिस्ते आहिस्ते इसमें दूध ऐड करके जो है वो हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे, और जैसे जैसे हम मिक्स करते जाएंगे ये जो उपटन है आप देखते जाएंगे इसका कलर, और एक ज़बरदस्त किस्म का जो हमारा उपटन का पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। और ये ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा उपटन है, प्लीज़ इसको मेरे कहने पे एक दफ़ा ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, इसके बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। इसको अब हम अच्छे से मिक्स करने के बाद आप ये देख सकते हैं इसका टेक्सचर थिक खीर आपने रखना है, तो ये देख सकते हैं आपकी हमारा जो उपटन है वो ऑलमोस्ट जो है वो तैयार हो गया है, और अब ये रेडी है जी अप्लाई करने के लिए। आप इसका टेक्सचर चेक कर लें ये कितना थिक है इस टाइम, ये देखें जी अब इसको हम अप्लाई करेंगे। तो जी इसको मैं हल्के हल्के हाथों से अपने फेस पूरे फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, उसके बाद थोड़े 2 मिनट रखने के बाद मैं हल्के हल्का मसाज करके इसको मसाज करने के बाद जो है वो पानी से जो है वो वॉश कर लूँगी इस तरह से। तो रेसिपी तो आपने देख ली उपटन बनाने की, आप देख सकते हैं कि इसमें तमाम ही तमाम चीज़ें जो हैं वो जो होममेड यूज़ की गई हैं, नेचुरल चीज़ें जो हैं वो यूज़ की गई हैं, और किसी भी तरह का कोई केमिकल का यूज़ नहीं किया गया, बहुत ही नेचुरल किस्म का और ईजी सा ये उपटन है। इसको आप ज़रूर बनाएं और इसके रिजल्ट्स आप खुद भी देखेंगे कितने अच्छे आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, आपकी स्किन पर निखार आ जाएगा, निखर जाएगी आपकी स्किन से दाग धब्बे जो हैं वो दूर हो जाएंगे, किसी भी तरह के निशान आपकी स्किन पर वो ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सा ये नेचुरल सा होममेड उपटन है, आप इसको ज़रूर बनाएं और ट्राई करें। और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक लीजिए अल्लाह हाफिज़।